हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ज्ञान फिर से आ गया हूँ आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके। उम्मीद है आपको हमारी पुरानी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, इस रेसिपी का नाम है बेबी कॉर्न चिली पेपर फ्राई। उम्मीद है आपने कभी ना कभी जिंदगी में बेबी कॉर्न तो जरूर खाया होगा। आज आपको मैं एक नए तरीके से इसको बनाना दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी कॉर्न पेपर फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बेबी कॉर्न। इसको ठंडे पानी में सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बेबी कॉर्न को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसको कट करने जा रहे हैं। हमारे अब बेबी कॉर्न अच्छे से कट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं हमने किस तरीके से कट किया। हमने एक बेबी कॉर्न को दो पीस किया है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने तरीके से भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम अब अच्छे से बॉयल करने जा रहे हैं, ताकि हमको बाद में ये कच्चा कच्चा ना लगे। बेबी कॉर्न को बॉयल करने के लिए हमने सबसे पहले सॉस पैन में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम वेट करें ताकि पानी जब तक गर्म ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम डालेंगे बेबी कॉर्न और इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे अराउंड 10 मिनट्स तक। अब हम देखने जा रहे हैं हमारी बेबी कॉर्न अच्छे से बॉयल हुई है कि नहीं। तो आप फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से बीच में ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारी बेबी कॉर्न अच्छे से बॉयल हो चुकी है दोस्तों। अब हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको हम अपने बेबी कॉर्न में डालेंगे। अब हमने इसको कॉर्नफ्लोर और मैदा के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। हमने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब इसको हम गर्म होने तक का वेट करेंगे। देन उसके बाद हमने जो बेबी कॉर्न और कॉर्नफ्लोर का मिक्स बनाया था, उसको हम डीप फ्राई करेंगे। बेबी कॉर्न को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम सॉस पैन को वापस गर्म करेंगे। दोस्तों, हमारी सॉस पैन अब गर्म हो चुकी है। हमने इसी सॉस पैन में बेबी कॉर्न फ्राई किए थे, तो उसमें हमने थोड़ा सा तेल इसमें से रख दिया था, तो वो तेल अभी ऑलरेडी गर्म है। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया। अब हम आगे डालेंगे बारीक कटी हुई हरी प्याज। इसको हमको सॉफ्ट करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। शिमला मिर्च और इसको सॉफ्ट होने तक बहुत वेट करेंगे। अब इसे हम डालने जा रहे हैं थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस। अब इसे हम डालने जा रहे हैं बेबी कॉर्न जो हमने डीप फ्राई किया हुआ था। देन थोड़ी हरी मिर्च, टोमेटो सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस। ब्लैक पेपर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारी बेबी कॉर्न चिली पेपर फ्राई इज ऑलमोस्ट डन।